हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। इस लेक्चर में हम मार्च 2023 के पार्ट टू का करंट अफेयर कवर करेंगे। इससे पहले हम जैन, फेब और मार्च का पार्ट वन कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये अगर आप 2024 में यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो ये करंट प्लस कैटेक अफेयर जो हम लोग कर रहे हैं ये आपके लिए काफ़ी क्रूशियल होंगे, ठीक है। करने का प्रोसीजर सेम रहेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो सारी आपको नोट डाउन करनी है, बिकॉज अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो इस लेक्चर को देखने का कोई भी बेनिफिट नहीं है, ठीक है। सेकंड, अगर आपको स्पीड को लेकर कोई इश्यू है कि मेरी स्पीड आपको कम या ज़्यादा लग रही है, तो उसके अकॉर्डिंग यूट्यूब पे आप मेरी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, वो ऑप्शन अवेलेबल होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मार्च का पार्ट टू। जो पहली न्यूज हमारी है वो है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से रिलेटेड। ये ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहाँ पे है, सबसे पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए, ये इजिप्ट में है, ठीक है। और यहाँ पे टोम्ब ऑफ फारो कूफू है। फारो कूफू ये माना जाता है कि ये बहुत पुराना इजिप्शियन किंग था और इसने ही ये पिरामिड पहली बार बनवाई थी, ठीक है। ये एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है जो माना जाता है कि इस किंग ने ये पिरामिड पहली बार बनाए थे। ये इजिप्ट में है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं। सेवन वंडर्स में से एक वंडर हमारे यहाँ पे भी है, ताजमहल आगरा के अंदर, ठीक है। नाउ आप कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इजिप्ट से रिलेटेड। जो हमारा अभी 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ था उस पर इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल फतेह अल सीसी, वो हमारे चीफ गेस्ट थे, ठीक है। और जो 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा अभी 2024 में 26th ऑफ जनवरी को, उस दिन पहले तो हमने इनवाइट किया था अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे नए चीफ गेस्ट जो होंगे वो इमैनुअल मैक्रोन है। इमैनुअल मैक्रोन कौन है आपको पता होना चाहिए, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो फ्रांस से रिलेटेड एक दो चीज़ें हम और देख लेते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फ्रांस से हमने राफेल लिया था, ठीक है, और एक रीयूनियन आइलैंड करके एक आइलैंड है इंडियन ओशियन में जो फ्रांस का है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रांस जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, जो पांच मेंबर उनमें से एक फ्रांस है, ठीक। नाउ अब थोड़ा सा और चीज़ें देख लेते हैं। जो अभी कॉप हमने देखी थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 हुई थी दुबई में, ठीक है। तो COP27 जो हुई थी वो सरम अल शेख और ये इजिप्ट में है, ठीक है, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। 29 कहाँ पे होगी, COP29 भी आपको ध्यान रखनी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 अजरबैजान में होगी, अजरबैजान, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। अब हमने एक वर्ड और भी यूज किया कि 26 ऑफ जनवरी को हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। और रिपब्लिक डे के अब के बार के हमारे चीफ गेस्ट होंगे इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। तो ऐसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोई भी सिविल सर्विसेज में आपसे कि कौन हमारे चीफ गेस्ट होंगे, लेकिन रिपब्लिक क्या होता है आपको पता होना चाहिए। किसी भी कंट्री में हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, जैसे इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट, अगर वो इलेक्टेड होता है, द हेड ऑफ द स्टेट इज ए इलेक्टेड पर्सन, ठीक है, तो उसको हम रिपब्लिक बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया में रिपब्लिक है बिकॉज हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड पर्सन, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, इससे रिलेटेड और हमने जो एक्स्ट्रा कवर किया है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी रिलेटेड है धरा से। धरा क्या है, धरा NO टू इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है। जो इंडियन पुराना इंडिया का ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है उसके लिए ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ये फ्लैगशिप स्कीम थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना ही काफी है, ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है धरा से रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज पे है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एक 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल कोड है। जैसे हम लोगों का पेन नंबर होता है वो भी अल्फा न्यूमेरिकल है, जहाँ पे अल्फाबेट्स भी होते हैं कुछ और न्यूमेरिकल भी होते हैं, ठीक है। तो ये किस लिए यूज किया जाता है वो हम लोगों को ध्यान रखना है। इट इज स्टैम्प्ड मैनुअली ऑन पीस ऑफ ज्वेलरी टू इंश्योर प्योरिटी एंड फिटनेस ऑफ गोल्ड वाया थर्ड पार्टी एश्योरेंस, ठीक है। तो ये गोल्ड की क्वालिटी का एश्योरेंस देता है एक तरह से। अभी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने अनाउंस कर दिया है द सेल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट्स विदाउट द HUID नंबर इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। तो 1 अप्रैल 2023 से कोई भी गोल्ड ज्वेलरी अगर इंडिया में सेल होगी तो उसके ऊपर ये हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। तो ये न्यूज थी HUID से रिलेटेड। आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसको देती है, ठीक है, कौन से आइटम के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, तो हम इसको मेनली गोल्ड के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी है इंडियन आर्मी से रिलेटेड। इंडियन आर्मी ने प्रपोज किया है एक्विजिशन ऑफ एन इंडिजीनियस एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, ATAGS इसको बाई कर रही है इंडियन आर्मी, ठीक है। इसको डिजाइन किसने किया है, DRDO ने किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने इसको डिजाइन किया था, ठीक है। तो खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, सिर्फ आपको इसका ये फुल फॉर्म बताना चाहिए, वो सफिशियंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज में है ईरान।
अब ईरान क्यों न्यूज में है? क्योंकि ईरान ने डिस्कवर किए हैं लिथियम डिपॉजिट्स, और लिथियम डिपॉजिट्स हमें पता है कि आज आज के टाइम में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रन करने के लिए लिथियम आयन बैटरी चाहिए, तो लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए लिथियम की रिजर्व चाहिए, तो हर एक कंट्री जो है वो लिथियम की रिजर्व ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो जो ईरान है वहाँ उसका एक वेस्टर्न प्रोविंस है हमदीन, तो हमदीन में जो है वो क्या मिले हैं, लिथियम डिपॉजिट्स मिले हैं। तो दो तीन तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अब से ये पूछा जा सकता है कि हमदीन जो है वो न्यूज में था, ये कहाँ से रिलेटेड है, तो वहाँ पे लिथियम डिपॉजिट्स मिले हैं ये इससे रिलेटेड है, कौन सी कंट्रीज में है ये, तो ये ईरान में है, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जब हम लिथियम पढ़ रहे हैं तो हमें लिथियम ट्रायंगल का भी पता होना चाहिए कि लिथियम ट्रायंगल क्या है। लिथियम ट्रायंगल बेसिकली वो तीन कंट्रीज का एक ग्रुप है जहाँ पे लिथियम के मैक्सिमम रिजर्व मिलते हैं, और ये तीन कंट्री साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। एक कंट्री है बोलिविया, एक है अर्जेंटीना, ठीक है, और एक है चिली, ठीक है। इसको एबीसी के नाम से भी याद रख सकते हो, एबीसी एक ट्रायंगल बनाता है, तीन कंट्री हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जहां पे लिथियम के मैक्सिमम रिजर्व मिलते हैं। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज नीदरलैंड के नेशनल म्यूजियम से रिलेटेड है। रिक म्यूजियम जो है ये नीदरलैंड का नेशनल म्यूजियम है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, ये सफिशियंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम से रिलेटेड। जो छोटे छोटे फार्मर्स का ग्रुप मिला के बिजनेस कंसोर्टियम बनाता है, वो एक सोसाइटी है प्रमोटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, हैज लॉन्च ए स्पेशल मार्केट कैंपेन। इन्होंने अपना एक मार्केट कैंपेन चलाया है जिसका नाम है मिलेट गेटवे। इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपसे पूछा जा सकता है कि मिलेट गेटवे किसका कंसेप्ट है, तो ये स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम का कंसेप्ट है। क्यों उन्होंने चलाया है? टू प्रमोट डायरेक्ट परचेज फ्रॉम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, की जो हम मिलेट परचेज करते हैं या बड़े बड़े जो मिलेट्स परचेजर्स हैं वो डायरेक्टली अपना मिलेट जो है वो इन स्मॉल फार्मर्स या मार्जिनल फार्मर्स से परचेज कर सके, इसलिए चला गया टू सपोर्ट देयर लाइवलीहुड। तो मिलेट गेटवे का आपको पता होना चाहिए कि ये कंसेप्ट है मिलेट गेटवे, जो किसका है, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम का है। क्यों चला गया है? ताकि वो प्रमोट किया जा सके डायरेक्ट सेलिंग ऑफ मिलेट फ्रॉम द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज पे है वर्ल्ड्स फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रश बैरियर बनाया गया है, मतलब एक तरह से एक बैम्बू का जो है वो पुल बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है बाहुबली, ठीक है। या कहाँ पे बनाया गया है? विदर्भ के महाराष्ट्र में ये बनाया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो इसलिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज जो हमारा बर्मोस मिसाइल से रिलेटेड है। बर्मोस मिसाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये पोर्ट मोंटी वर्ड है। पोर्ट मोंटी वर्ड वो होते हैं जो दो वर्ड से मिलके बनते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच को हम ब्रंच बोल देते हैं, तो ऐसे ही पोर्ट मोंटी वर्ड है, ठीक है। तो ब्रह्मोस ब्रह्म प्लस मोस से बना है। ब्रह्मोस ब्रह्म का मतलब है ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया की, और मोस का मतलब है मोस्कोवा रिवर जो है वो रसिया की, मोस्कोवा रिवर जो है वो रसिया की, इन दो से मिलकर बना है। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये ज्वाइंट वेंचर है इंडिया और रसिया का ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। ये टाइप ऑफ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है दैट कैन बी लॉन्च फ्रॉम सबमरीन शिप एयरप्लेन और लैंड, मतलब एक तरह का ट्राइड ये कंप्लीट करती है। ये बोला जाता है ट्राइड, एक मिसाइल ट्राइड का मतलब होता है कि वो तीन जगह से लॉन्च की जा सकती है, एयर से भी, वाटर से भी और लैंड से भी, ठीक है। बहुत कम कंट्रीज के पास ऐसा मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, तीन चार कंट्रीज के पास ही है जिनमें से इंडिया एक है, जो कहीं से भी मिसाइल को लॉन्च कर सकती है, तो ये ट्राइड बनाता है। अब जो ये यहाँ पर हमने एक वर्ड पढ़ा सुपरसोनिक, सुपरसोनिक क्या होता है, तीन टर्म होते हैं, एक तो होता है सबसोनिक, एक होता है सुपरसोनिक और एक होता है हाइपरसोनिक। सबसोनिक होता है मतलब एक हमारी जो एयर स्पीड है, एक नॉर्मल स्पीड ऑफ साउंड होती है, स्पीड ऑफ साउंड तो स्पीड ऑफ साउंड से अगर कम स्पीड से कोई भी मिसाइल चल रही है, लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड, तो उसको बोलते हैं सबसोनिक। अगर स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा से कोई मिसाइल चल रही है तेज गति से, तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। और हाइपरसोनिक सुपरसोनिक से भी ऊपर होता है, बेसिकली हम इनको मेजर करते हैं मैक से, मैक 1, मैक 2, मैक 3, मैक 4, तो मैक जो होता है स्पीड ऑफ साउंड होता है, ठीक है। तो जो मिसाइल 5 मैक से चलती है, मतलब स्पीड ऑफ द साउंड से 5 गुना से ज़्यादा चलती है, तेज स्पीड से चलती है, उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। और जो 1, 2, 4 तक, 4 मैक तक जो चलती है उसको बोलते हैं सुपरसोनिक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज में हमारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है? टू प्रोटेक्ट सेवन मेजर बिग कैट स्पीसीज जो है, जिनमें टाइगर है, लायन है, चीता है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया का ये न्यू ग्लोबल अलायंस है, ठीक है। कुछ टाइम पहले लॉन्च किया गया था, तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ये बिग कैट अलायंस जो है किससे रिलेटेड है, और इंडिया ने बोला है कि हम इस इनिशिएटिव में बाकी भी हमारे साथ आए और हम इसमें $100 मिलियन की फंडिंग देंगे ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, ठीक है। तो इंडिया का इनिशिएटिव है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। ऐसे एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया का इनिशिएटिव था, ऐसे एक कोलिएशन ऑफ डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, ये भी इंडिया का इनिशिएटिव था। तो ये इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हमने NDA की गवर्नमेंट के दौरान लिए हैं, जो अभी हमारी करंट गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है INS विक्रांत से रिलेटेड, ये इंडियन नेवल शिप विक्रांत है, ठीक है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो इंडिया के पास अभी फिलहाल दो ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक है INS विक्रांत और एक है INS विक्रमादित्य,
विक्रमादित्य। ठीक है, INS विक्रमादित्य हम लोगों ने रसिया से लिया है, और INS विक्रांत इंडिया का पहला इंडिजीनियस है, इंडिया ये इंडिया ने खुद डिजाइन किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले भी हमारे पास एक INS था जो हमने फॉरेन कंट्री से लिया था, ठीक है, उसको डिसमेंटल कर दिया गया था, देन उसके बाद दोबारा से हमने एक बनाया है नया, और उसका नाम भी हमने INS विक्रांति रखा है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज मत करना कि पहले भी इंडिया के पास INS विक्रांत था और अब फिर एक INS विक्रांत है, तो पुराने वाले का को डिसमेंटल कर दिया गया और नया जो बनाया गया उसका नाम फिर से INS विक्रांति रखा गया। दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं अभी हमारे पास, INS विक्रमादित्य जो हम लोग रसिया से लिया है और INS विक्रांत जो हम लोगों ने खुद बनाया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज है इंडिया एशियान इंडिया बिजनेस समिट हुई है। एशियान एक ग्रुपिंग है, जैसे हम लोगों ने बहुत सारे ग्रुपिंग देखे हैं, SCO किया है, G7 हमने किया था, G20, तो ऐसा ही एक ग्रुपिंग है कुछ कंट्रीज है जिसको एशियान बोलते हैं। एशियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है उनका एक ग्रुपिंग है और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। एशियान के टोटल जो है वो 11 मेंबर है, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एशियान। ठीक है, इसे 11 मेंबर को आप याद भी कर सकते हो, मैं एक्रोनिम बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। PM जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे, ठीक है, IBM का पैड लेके और ETVS लेके। ठीक है, PM प्राइम मिनिस्टर, LC हमें PM हालांकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं जाते, ठीक है, वो या तो लोकसभा में जाएंगे या राज्यसभा में जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने एक वर्ड बनाया है जिसे आप इन कंट्रीज को याद रख पाओ। P का मतलब है फिलीपीन, M का मतलब है म्यांमार, L का मतलब है लाओस, C कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रूनी, मलेशिया, ये मलेशिया है, ये म्यांमार है। ठीक है, E का मतलब है ईस्ट तैमूर, ये 11th कंट्री है जिसने अभी ज्वाइन किया है न्यूली एशियान को, पहले एशियान में 10 ही कंट्री थी। ठीक है, थाईलैंड, वियतनाम और सिंगापुर, तो ये 11 कंट्रीज के नाम आप PM लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे IBM का पैड लेके और ई स्कूटी या ETVS लेके, इससे आप इन मेंबर्स को याद रख पाओगे। ऐसे एशियान जो बना था वो बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना था, बैंकॉक डिक्लेरेशन, ये भी आपको ध्यान रखना है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन अगर पूछ लिया जाए किससे रिलेटेड है तो एशियान से रिलेटेड है, और एशियान का जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता में। जकार्ता एज यू ऑल नो इंडोनेशिया की कैपिटल है, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। ठीक है, लेकिन अभी इंडोनेशिया अपनी कैपिटल चेंज कर रहा है और उसने बोला 2024 से हमारी नई कैपिटल जो होगी वो होगी नुसेंतारा, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है। इंडोनेशिया एक आइलैंड नेशन कंट्री है, ठीक है, उसकी कैपिटल अभी जकार्ता है जो कि एशियान का हेडक्वार्टर है। एशियान एक ग्रुपिंग है 11 कंट्रीज की, फिलीपीन, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रूनी, मलेशिया, ईस्ट तैमूर, थाईलैंड, वियतनाम और सिंगापुर, ये 11 कंट्री है जिसके समूह को हम एशियान बोलते हैं। तो एशियान का और इंडिया का अभी एक बिजनेस समिट हुआ था, ठीक है, कहाँ पे हुआ, कुआलालंपुर पे हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने कहाँ पे बिजनेस समिट किया, इस न्यूज़ को हमने कवर इसलिए किया है कि हम लोगों को एशियान पढ़ना था। एशियान के बारे में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान ही होनी चाहिए, और ये फाइंड आउट करो कि अभी 2023 में एशियान की समिट कहाँ पे हुई है, कहाँ पे उसके लीडर्स मिले थे, हर साल अलग अलग जगह पे इसके लीडर मिलते हैं, तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि 2023 में वो कहाँ पे मिले। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में है मेगा ट्रॉपिक 1, MT1 क्या है पूछ लिया जाए तो ये टू स्टडी ट्रॉपिकल वेदर एंड क्लाइमेट के लिए जॉइंटली बनाया था इंडिया और फ्रांस ने, ये एक सैटेलाइट है, ठीक है, एक सैटेलाइट है ये मेगा ट्रॉपिक 1 MT1 जॉइंटली डेवलप किया था इंडिया और फ्रांस ने टू स्टडी ट्रॉपिकल वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको इस न्यूज़ में और कुछ ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ हमारी रिलेटेड है साउथ कोरियन मिलिट्री से या साउथ कोरिया से। ठीक है, उन्होंने अभी भी एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है किल वेब। ठीक है, ये किल वेब उन्होंने जो एक्सेलेट कर रहा है, बढ़ा रहा है नॉर्थ कोरिया, न्यूक्लियर धमकी दे रहा है, उसको डीएक्सेलेट करने के लिए उन्होंने एक कैंपेन चलाया है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान होना चाहिए किल वेब का नाम का जो कंसेप्ट है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, वो साउथ कोरिया से बिलोंग करता है, सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन अगर हमें पता है तो वो सफिशियंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है हमारी RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम बहुत कुछ स्टैटिक कवर कर चुके हैं, अभी आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है, उन्होंने एक नया मिशन लॉन्च किया है हर पेमेंट डिजिटल। सो पूछा जा सकता है हर पेमेंट डिजिटल किसका इनिशिएटिव है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज हमारी रिलेटेड है नागालैंड से रिलेटेड। नागालैंड में क्या हुआ है, पहली बार नागालैंड की हिस्ट्री में एक वुमेन जो है उसको मिनिस्टर बनाया गया है, और उनका नाम है साल हुतोनु कुसे। कौन थी ये पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वुमेन से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो साल हुतोनु कुसे जो है वो नागालैंड की फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर बनी है, चीफ मिनिस्टर नहीं बनी है, कहीं लगे चीफ मिनिस्टर बनी है, मिनिस्टर बनी है नागालैंड की पहली, आपको ये ध्यान रखना है। तो पहली से रिलेटेड हमको थोड़ा सा और स्टैटिक कवर कर लेते हैं, फर्स्ट वुमेन CM कौन थी इंडिया की, ठीक है, फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी इंडिया की, फर्स्ट वुमेन PM कौन थी इंडिया की, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडिया की, और फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन थी लोकसभा की। ठीक है, क्या आप सब आपको उनके बारे में पता है, तो फर्स्ट वुमेन CM जो थी वो थी सुचिता कृपलानी, सुचिता कृपलानी।
सुचिता कृपलानी जो है वो फर्स्ट वुमेन सी है, ठीक है। फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। फर्स्ट वुमेन पीएम तो सबको पता ही होगा, मिस इंदिरा गांधी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? प्रतिभा पाटिल, ठीक है। और फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन थी लोकसभा की? मीरा कुमार। ये नाम के पीछे कुमार लगते हैं लेकिन ये वुमेन थी। तो ये सब फर्स्ट फर्स्ट थे जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे रिलेटेड है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। इस वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये पूछा जा सकता है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किससे रिलेटेड है या किसने ये कंसेप्ट दिया है? तो वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये दिया है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब ये ग्रीन हाउस क्या होता है, एक बार हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये हमारा अर्थ है और ये सन है, ठीक है। सन से रेडिएशन अर्थ पे आती है, तो सन से जो रेडिएशन अर्थ पे आती है वो शॉर्ट वेव के लिए, शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशन होती है। ये आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशन होती है जिसको हमारा अर्थ जो है वो एब्जॉर्व कर लेता है। उसके बाद अर्थ जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वापस भेजता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वापस भेजता है। और वापस भेजने वाली जो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है जो अर्थ इमिट करता है, ये लॉन्ग वेव है, ठीक है। ये दो चीजें ध्यान आ गई क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सन से जो अर्थ पे आती है वो शॉर्ट वेव लेंथ है, जो अर्थ से वापस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जाती है वो लॉन्ग वेव लेंथ है। तो लॉन्ग वेव लेंथ, अब हमारे एटमोसफेयर में अलग अलग गैस पार्टिकल्स हैं, अलग अलग गैसेज हैं, तो ये गैसेज ऐसी हैं, कुछ इनमें से कुछ गैसेज ऐसी हैं जो शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशन को तो नीचे आने देती हैं लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशन को वापस नहीं जाने देती अपने में से, ठीक है। तो वो गैसेज जो है वो सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं उनको, क्योंकि वो एक ऐसा, अब वो रेडिएशन जो ऊपर जाती है गैस यहाँ पे ट्रैप हो जाती है वो सारी, और एक हीटिंग इफेक्ट बन जाता है हमारी अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो जो गैसेज ये ग्रीन हाउस गैस को, ग्रीन हाउस गैसेज जिनको हम बोलते हैं, तो ये क्या करती हैं, लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन को पास नहीं होने देती अपने में से। और कौन कौन सी ये है, इनमें से सबसे मेन है वाटर वेपर, ठीक है, CO2, मिथेन, ठीक है, NO2, लाफिंग गैस भी बोलते हैं NO2 को, और O3, ओजोन 3। ये मेन ग्रीन हाउस गैसेज है हमारी। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा कंसेप्ट है ग्रीन हाउस गैस का। अब ऐसा ही एक इम्पैक्ट वीनस पे भी देखने को मिलता है। वीनस पे बहुत ज्यादा एक्सेस में ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए वहां पे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा एक्सेस में, उसको हम बोलते हैं रन अवे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, जिसकी वजह से वीनस को हम बोलते हैं ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ द अर्थ, ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ अर्थ। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ द अर्थ कौन सा है, वीनस है, क्यों है, क्योंकि वहां पे रन अवे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है। रन अवे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का मतलब है बहुत एक्सेस में ग्रीन हाउस गैसेज है जिसकी वजह से वो अपने अंदर जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वीनस से जाने वाली उनको ट्रैप कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी रिलेटेड है हाई सीज से। ये हाई सी क्या होता है, इसको हम इंटरनेशनल वाटर भी बोल देते हैं, इंटरनेशनल वाटर। आर एरियाज सिचुएटेड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल माइल ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए कवर किया जाता है वाटर में। एक नॉटिकल माइल जो है वो होता है 1.85 किलोमीटर के लगभग। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहां तक किसी भी कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है। ये कुछ मैरिटाइम बाउंड्रीज हैं जो हम पढ़े हैं, हाई सी या इंटरनेशनल वाटर या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक बार इनको हम डिटेल में देख लेते हैं क्या होता है। जैसे ये इंडिया का कोस्ट है, ठीक है, ये हमारा पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुला। तो हमारे इंडियन पेनिनसुला के 12 नॉटिकल माइल तक, वहां तक प्रॉपरली हम लोगों का एरिया है, इसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी। मतलब ये किसी भी कंट्री के लिए एप्लीकेबल है, उस कंट्री की जहां पे लैंड बॉर्डर खत्म होती है वहां से 12 नॉटिकल माइल तक उस कंट्री का टेरिटोरियल सी होता है, मतलब उस कंट्री का कब्जा होता है यहां तक के वाटर पे। अब इस 12 नॉटिकल माइल से अगले 12 नॉटिकल माइल होता है कंटीजियस जोन, ठीक है। और इस बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब यहाँ पे कोई भी कंट्री अपना एक्सक्लूसिवली कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकती है, ठीक है। 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, पहले 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल सी, उससे आगे 12 नॉटिकल माइल जो होता है वो कॉन्टेजियस जोन होता है, और जो ये 200 नॉटिकल माइल के बाद का जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं हाई सी, और इसको इंटरनेशनल वाटर भी बोलते हैं,
यहाँ पे किसी का भी कब्जा नहीं होता है। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑन सी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन 1982 में बनी थी, ठीक है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो रूल रेगुलेशन बनाती है वो हाई सी पे एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो ये आपको सब कुछ ध्यान रखना है मैरिटाइम बॉर्डर से रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज हमारी रिलेटेड है रिलेटिविटी स्पेस से रिलेटेड। रिलेटिविटी स्पेस क्या है, एक स्टार्टअप कंपनी है जिन्होंने टेरेन वन नाम का वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाया है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन है स्टैटिक, आपको ध्यान रखनी है कौन सी कंपनी ने बनाया है, नाम क्या है, साथ में एक मिशन है, उस मिशन का ये पार्ट है, मिशन का नाम है गुड लक हैव फन मिशन। तो गुड लक हैव फन मिशन के अंडर में रिलेटिविटी स्पेस नाम की एक स्टार्टअप कंपनी ने टेरेन वन नाम का वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाया है। ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज हमारी रिलेटेड है सेंटर डायरेक्ट नेफेड एंड नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टू इमीडिएटली इंटरवीन इन द मार्केट फॉर द परचेज ऑफ रेड ऑनियन खरीफ। अब ये न्यूज किस लिए रिलेटेड है, ये एक वर्ड है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्या होता है, उससे पहले हम समझते हैं कि कई बार ऐसे होता है कि टोमेटो के प्राइसेस एकदम से शूट अप हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है ऑनियन के प्राइसेस एकदम से शूट अप हो जाते हैं, एकदम से बढ़ जाते हैं। तो ये जब किसी इंडिविजुअल कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाए और बाकी इन्फ्लेशन, बाकी जो महंगाई है वो नॉर्मल रहे, बाकी इन्फ्लेशन नॉर्मल है और किसी एक कमोडिटी के प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन, अब इस स्क्यूफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया था प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ठीक है। इस अब तो अभी गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है कि रेड ऑनियन जो है उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो नेफेड, नेफेड की फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है NCCF, इन दोनों को बोला है कि आप प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को यूज करके जो रेड ऑनियन की प्राइसेस बढ़ रही है उनको आप नॉर्मलाइज कीजिए। ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक बनाया गया फंड है जो एक्सेस में अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक तरह से सब्सिडाइज कर देती है उन प्राइस को। तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्या है, स्क्यूफ्लेशन क्या है, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब क्रॉप से रिलेटेड बात चली है तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पे मेनली तीन टाइप के क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जायद क्रॉप। इन पे UPSC भी क्वेश्चन पूछ चुका है और स्टेट PSC भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। खरीफ क्रॉप को हम मानसून क्रॉप भी बोलते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी UPSC पूछ चुका है। रबी क्रॉप को विंटर क्रॉप बोलते हैं और जायद क्रॉप को हम समर क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। बाकी हम इनको ज्योग्राफी के लेक्चर में कवर करेंगे, अभी आप इतना ध्यान रखो और जितना आप इनके बारे में पढ़ सकते हो और वो आप पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी फिर से वुमेन से रिलेटेड है। कोलंबिया नाम की एक कंट्री ने ओपन कर दी है अपनी मिलिट्री सर्विस 25 साल में पहली बार वुमेन्स के लिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक तो यही न्यूज हो गई, ये पूछा सकता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने 25 साल बाद अपनी सर्विस जो है वो वुमेन के लिए ओपन कर दी है मिलिट्री सर्विस, तो होगी कोलंबिया। अब कोलंबिया के बारे में आप एक दो चीजें ध्यान रखना, कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा। दूसरा, कोलंबिया जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्री है और अभी कोलंबिया और वेनेजुएला नाम की दो कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में, वहां दोनों के बीच में टसल चल रहा है एक दूसरे के बीच में, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोलंबिया और वेनेजुएला, वेनेजुएला में लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है वर्ल्ड के, ये भी आपको ध्यान रखना है। लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है वर्ल्ड के वेनेजुएला, वेनेजुएला और कोलंबिया दोनों साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्री हैं, दोनों में टसल चल रहा है, ठीक है। और इसके में बीच में UK ने इंटरवीन किया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेनेजुएला में लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है वर्ल्ड के, कोलंबिया इसलिए न्यूज में है क्योंकि वहां पे उन्होंने पहली बार 25 साल में अपनी मिलिट्री सर्विस जो है वुमेन्स के लिए ओपन की है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है हमारी आसाम से। आसाम ने में क्या हुआ है, एक जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किस चीज़ का बना है कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा, उन्होंने लगभग 43 लाख ऐसे उनको रिसीव हुए हैं। किस चीज़ के ये ऐसे थे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, वो ऐसे थे अहोम डायनेस्टी थी वहाँ पे। तो आपसे पहली चीज़ तो ये पूछा जा सकता है कि अहोम डायनेस्टी कहाँ से बिलोंग करती थी, तो आसाम की एक डायनेस्टी थी, एक रूलिंग एम्पायर था पूरा आसाम का। उसके एक जनरल थे लचित बोरफुकन, लचित बोरफुकन की 400th बर्थडे एनिवर्सरी थी, उसके 43 लाख ऐसे प्राप्त हुए हैं, मिले हैं किनको, जो हमारे आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा को। तो इसलिए ये न्यूज में था, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अहोम डायनेस्टी और जो जर्नल थे उसके लचित बोरफुकन, ये दो इंपॉर्टेंट है, किससे रिलेटेड है आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज जो आप आसाम से रिलेटेड याद रख सकते हो वो ये है कि आसाम जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न में 7 सिस्टर स्टेट्स, उनमें से आसाम ही एकमात्र ऐसा स्टेट है जो बाकी सभी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। आसाम अपनी बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है, देन नागालैंड के साथ शेयर करता है, देन मणिपुर, देन मिजोरम, देन त्रिपुरा, ठीक है, और एक और बच गया मेघालय, इन सब के साथ आसाम जो है वो अपनी बॉर्डर शेयर करता है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है हमारी बीएससी, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और यूएन वुमेन इंडिया है, इन्होंने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है फिम एम्पावर, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बेसिकली ये प्रोग्राम है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं, ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट है निसार। निसार जो है ये एक ज्वाइंट वेंचर मिशन था नासा और इसरो का, ठीक है, तो बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है इसरो और नासा का एक ज्वाइंट मिशन है जिसका नाम है निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है निसार जो है कि इन दो का मिशन है, नासा और इसरो का मिशन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारा रिलेटेड है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल से रिलेटेड, नेक। नेक क्या करती है बेसिकली, ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं इंडिया में उनको इवेल्युएट करती है और उनको रैंकिंग देती है, ठीक है। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में जनरली, अगर वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है तो वो AICTE के अंडर में आता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और नॉन टेक्निकल है तो वो UGC के अंडर में आता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। तो ये दो हायर एजुकेशन के लिए बॉडी है हमारे पास इंडिया में, आपको ध्यान रखना है, और नेक के बारे में ध्यान रखना है कि नेक का क्या काम है। नेक्स्ट न्यूज जो हम कवर करेंगे वो करेंगे गवर्नर से रिलेटेड। गवर्नर से रिलेटेड हम लोगों ने पहले भी कुछ न्यूज कवर की थी, ठीक है, तो यहाँ पे करंट में जो न्यूज है गवर्नर से रिलेटेड, तमिलनाडु के स्टेट गवर्नर से रिलेटेड, वो तो एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पे एक आर्टिकल का जिक्र हुआ है, आर्टिकल 200 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम एक आर्टिकल 200 देखेंगे और आर्टिकल 201 देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है, अगर किसी भी स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, जो स्टेट विधायिका है किसी भी स्टेट की, अगर किसी भी स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर कोई भी बिल को पास करके गवर्नर के सिग्नेचर के लिए भेज देती है, तो गवर्नर के पास तीन चॉइसेस होती हैं, या तो वो असेंट दे देगा उस बिल को, या उसको वो विदहोल्ड कर देगा, या फिर वो रिटर्न बैक कर देगा वापस से लेजिस्लेटिव असेंबली को। अब अगर उसने वापस से रिटर्न कर दिया बिल को और उस सेम बिल को फिर से दोबारा पास करके अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भेज देती है गवर्नर के पास, दोबारा से गवर्नर के पास भेज दिया अगर बिल पास करके, तो गवर्नर के पास एसेंट देने से अलग कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता है। दैट मींस आर्टिकल 200 दो चीज़ें बताता है, एक तो ये बताता है कि गवर्नर के पास एक बिल को लेके क्या क्या पावर है, वो उसको असेंट दे सकता है, एग्री कर सकता है कि मैं बिल को एग्री कर रहा हूँ, दूसरा वो उसको विदहोल्ड कर सकता है, अपने पास रख सकता है, तीसरा वो उसको रिटर्न कर सकता है। अगर रिटर्न करता है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेम मेजोरिटी के साथ या डिफरेंट मेजोरिटी के साथ पास करके दोबारा से उसको भेज देती है गवर्नर के पास साइन करने के लिए, तो उस केस में गवर्नर को उसको साइन करना पड़ेगा, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसी से रिलेटेड है आर्टिकल 200। आर्टिकल 201 क्या बोलता है? आर्टिकल 201 ये बोलता है कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली किसी भी बिल को पास करके गवर्नर के पास सेंड करती है, तो गवर्नर उसको प्रेसिडेंट की असेंट के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट के लिए अपने पास होल्ड कर सकता है। ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 201 में। तो ये दोनों आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं गवर्नर से रिलेटेड, और गवर्नर से रिलेटेड बाकी फैक्ट हम पहले के लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो हमारी रिलेटेड है वो नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। इसकी थर्ड सेशन हुआ है न्यू दिल्ली में, एक तो आपको ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, दूसरा जो हमारा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारे दूसरे फ्रेमवर्क हैं जो आपको ध्यान रखनी है, दूसरी जो कन्वेंशन हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो एक बार हम उसका पूरा हिस्ट्री देख लेते हैं एक मिनट में। 1994 में क्या हुआ था, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट हुई थी 1994 में, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, कि वर्ल्ड में डिजास्टर जितने भी होते हैं किसी भी वजह से हो उससे कैसे फाइट किया जाए। ये इंपॉर्टेंट है जो हम अभी कवर कर रहे हैं, क्योंकि अभी पीछे ही तुर्की ओमे और सीरिया में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, तो डिजास्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1994 में पहला वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, उसके बेस पे योकोहामा स्ट्रेटजी बनाई गई, योकोहामा स्ट्रेटजी। तो एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि योकोहामा स्ट्रेटजी जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड है। ये स्ट्रेटजी बनाई गई 1990 से 2000 तक, कि 1990 से 2000 तक इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाएगा वर्ल्ड में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद 1999 में UN ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन बना, 99 में UN ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन बनाया गया, और उसने कुछ दूसरे फ्रेमवर्क दिए जिनको हाइगो फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं, हाइगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि हाइगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन किस चीज से रिलेटेड है, तो वो भी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड है। ये फॉलो की गई 2005 से 2015 तक, कि वर्ल्ड में अगर कहीं भी कोई डिजास्टर आता है या किसी डिजास्टर को प्रिवेंट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे हाइगो फ्रेमवर्क के नाम से, 2005 से 2015 तक वो फॉलो किए गए। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो गया 2015, तो नए फ्रेमवर्क बनाए गए, नए फ्रेमवर्क जो बनाए गए उनका नाम था सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क अगेन अगर आपसे पूछ लिया जाए किस चीज़ से रिलेटेड है, तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क फॉलो किए जाएंगे 2015 से 2023 तक फॉलो किए जाएंगे, लेकिन उसी बीच में UN क्लाइमेट समिट हुआ, UN क्लाइमेट समिट
2019 में, जिसको हम COP24 के नाम से जानते हैं, ठीक है। हमने अभी देखा था कि यूएन क्लाइमेट समिट COP28 दुबई में हुआ, ये हमने देखा देख चुके हैं ऑलरेडी। तो यूएन क्लाइमेट समिट वैसा ही 2019 में यूएस में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट में, उसको हम COP24 के नाम से जानते हैं। वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CDRI लॉन्च किया। CDRI की फुल फॉर्म है कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाएगा अक्रॉस द वर्ल्ड सभी कंट्री मिलके, जो डिजास्टर मैनेजमेंट से या डिजास्टर से फाइट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये CDRI क्या है आपको पता होना चाहिए, कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कब दिया गया था, COP24 में दिया गया था। किसने दिया, इंडिया ने प्रपोज किया था इसको, ठीक है। और ये कौन सी समिट थी, यूएन क्लाइमेट समिट थी 2019 की यूएस में। तो ये सारी चीज़ें आपको डिजास्टर से रिलेटेड ध्यान रखनी है, जो जो फ्रेमवर्क है कि ये फ्रेमवर्क कब कब बने और कब 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 से कब तक ये लागू होंगे, तो ये सारा आपको डिजास्टर के बारे में ध्यान रखना है। यहाँ से आपका डिजास्टर का एटलीस्ट प्रीलिम्स के लिए जो भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा PMLA से। PMLA को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जो पैसा बाहर भेज के इलीगल रास्ते से ट्रांसफर किया जाता है वापस इंडिया में, ठीक है। ये उससे रिलेटेड है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग से। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इंडिया में एक्ट है 2002 का, एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, अभी इसको गवर्नमेंट ने एक्सपेंड कर दिया है, जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसको एक्सपेंड कर दिया है। अब वो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे भी लगेगा, पहले ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे नहीं लगता था, लेकिन अब PMLA जो है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे भी लगेगा। इसका होराइजन जो है उसको एक्सपेंड कर दिया गया है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, PMLA कब बना था, ठीक है, और दूसरा अभी रिसेंटली 2023 में इसका जो होराइजन है उसको एक्सपेंड किया गया है, अब ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे भी लागू होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज है नासा से रिलेटेड। नासा का क्रियोसिटी रोवर है, और ये क्रियोसिटी रोवर जो है मार्स के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है, बहुत डिटेल में रिक्वायरमेंट नहीं है हमें जो फॉरेन एजेंसीज हैं उनके बारे में पढ़ने की। तो नासा का क्रियोसिटी रोवर पूछ सकते हैं, किसका है, नासा का है, कहाँ पे सेंड किया है, मार्स पे सेंड किया है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज है रेड टाइड से रिलेटेड। रेड टाइड बेसिकली क्या है कि बहुत सारा पानी जो है वो रेड हो जाता है, ठीक है। तो वो रेड क्यों होता है, उस रेड होने का रीजन है टॉक्सिक एल्गा है, एक टॉक्सिक एल्गा स्पीसीज जिसका नाम है कर्निया बर्विस नाम की एक एल्गा ही है, ठीक है। एल्गा क्या होते हैं, एल्गा फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये वो होते हैं जिनके पास सेल होता है और उस सेल में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उनको हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सो एल्गा एक फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और एक टाइप का एल्गा है जो पानी को बिल्कुल रेड कर देता है, उसको रेड टाइड, जिसमें हम ये बोल देते हैं कि रेड टाइड आ गई है पानी में, तो उस किसकी वजह से है, वो है करिनिया बर्विस की वजह से, ठीक है। आपको ये नाम ध्यान रखना है, और रेड टाइड किस एल्गा की वजह से, स्पीसीज की वजह से, तो स्पीसीज का नाम ध्यान रखना है। और ये भी पूछा जा सकता है कि रेड टाइड क्यों होता है, तो वो एल्गा की वजह से होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज हमारी रिलेटेड है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की डिफरेंट कंट्रीज के चीफ जस्टिस की एक मीटिंग हुई है, जो SCO का पार्ट है। SCO को हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसका रेट्स फ्रेमवर्क भी हम कर चुके हैं, ठीक है, ये चीजें हम पहले के लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम CGI जो है उसके बारे में थोड़ी सी स्टैटिक इन्फो देखेंगे। पहली चीज जो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में पता होनी चाहिए कि इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, नो फिक्स टेन्योर, कि 2 साल 3 साल 5 साल ऐसा कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं होता CGI का। दूसरा, CGI किसको चुना जाता है, जो सीनियर मोस्ट जज होता है, सीनियर मोस्ट जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट में, उसको CGI चुना जाता है। क्या ऐसा कोई रूल है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, ये कन्वेंशन है जो काफ़ी पुराने टाइम से फॉलो किया जा रहा है, कि जो सबसे ओल्डेस्ट होंगे पर्सन के केस में हम ओल्डेस्ट यूज करेंगे, जो सबसे ओल्डेस्ट होंगे उनको CGI बनाया जाएगा, ठीक है। फिक्स टेन्योर नहीं होता है, सीनियर मोस्ट को बनाया जाता है। टिल डेट कोई भी फीमेल CGI नहीं बनी है इंडिया में, नो फीमेल CGI टिल डेट। एक उम्मीद है अगर यही सेम कन्वेंशन फॉलो होता रहा कि सीनियर मोस्ट जज को CGI बनाया जाता है, तो 2027 में पहली फीमेल CGI बनेगी हमारी, वो होंगी जस्टिस BV नागरत्न जो हो पहली CGI वुमेन CGI बनेगी इंडिया की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अभी रिसेंटली फातिमा बीवी इनकी डेथ हो गई थी अभी रिसेंटली, ये कौन थी, ये फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थी, ठीक है। फीमेल जज थी, चीफ जस्टिस नहीं थी, अभी तक कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस नहीं हुई है हमारी, ठीक है। 2027 में एक्सपेक्टेड है, अगर यही सेम कन्वेंशन फॉलो किया गया कि वो सीनियर मोस्ट जज को CGI बनाया जाता है, तो जस्टिस BV नागरत्न जो है ये हमारी फर्स्ट फीमेल CGI बनेंगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने CGI से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल चीज़ें कवर की, जो आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज में है
टोरिनो स्केल। तो पूछा जा सकता है कि ये टोरिनो स्केल किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है। यूज टू रेट हाउ डेंजरस इट वुड बी इफ ए स्पेस रॉक, कोई भी स्पेस रॉक का टुकड़ा लाइक एस्ट्रॉइड और कॉमेट हिट द अर्थ। अगर कोई भी रॉकी मटेरियल जो है अगर अर्थ को हिट करता है किसी भी टाइम पे, तो उस वो कितना डेंजरस होगा, उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए टोरिनो स्केल यूज किया जाता है। ठीक है, सिर्फ हम लोगों को इतना ही ध्यान रखना है, यही काफ़ी है हमारे लिए कि हमें ये बताओ कि टोरिनो स्केल क्या है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है अर्बन 20 से, U20 से। U20 इंगेजमेंट ग्रुप हेल्ड इट्स इनॉग्रल मीटिंग इन अहमदाबाद। जो फर्स्ट मीटिंग होती है, इनॉग्रल मीटिंग उसको बोलते हैं, पहली मीटिंग U20 अर्बन ग्रुप इंगेजमेंट ग्रुप की वो अहमदाबाद में हुई है। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, अहमदाबाद से रिलेटेड कुछ और फैक्ट हम कवर कर लेते हैं। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है अहमदाबाद को, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है अहमदाबाद को। ठीक है, मैनचेस्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि अहमदाबाद में टेक्सटाइल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इंडिया का टेक्सटाइल हब है, जो भी क्लोथ वगैरह बनते हैं तो टेक्सटाइल हब है अहमदाबाद इंडिया का। और गुजरात जो है वो लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। अगर ये पूछा जाए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ पे होती है, तो गुजरात के अंदर होती है, और गुजरात में भी अहमदाबाद वाले रीजन में सबसे ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़े बनाने की इंडस्ट्री। मैनचेस्टर यूके में एक प्लेस है जहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे टेक्सटाइल रिवोल्यूशन हुआ था, टेक्सटाइल की स्टार्टिंग मानी जाती है वहाँ से हुई थी, तो इसलिए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है अहमदाबाद को। अब इसके साथ आपको दो चीज़ें और भी ध्यान रखनी है, एक तो ये ध्यान रखना है कि गुजरात जो है सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में, दूसरा गुजरात के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है लार्जेस्ट कोस्टल एरिया है, जो कोस्टल एरिया है सी से लगता हुआ एरिया किसी भी स्टेट का इंडिया में, तो वो गुजरात का है। नाउ दो चीज़ें और ध्यान रखना, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ किसको बोला जाता है, तो मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, बेसिकली नॉर्थ इंडिया मैनचेस्टर बोला जाता है कानपुर को, कानपुर जो है वो यूपी में। और मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया अगर पूछ लिया जाए किसको बोला जाता है, तो बोला जाता है कोयम्बटूर को, कोयम्बटूर जो है वो तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, अहमदाबाद को, क्योंकि टेक्सटाइल हब है इंडिया का, गुजरात में सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोडक्शन होता है, गुजरात का सबसे बड़ा कोस्टल एरिया है। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया बोला जाता है कानपुर को, और मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है कोयम्बटूर को। ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ हमारी रिलेटेड है एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस। इज ए फ्लैगशिप इवेंट दैट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू स्ट्रेंथन पर्सनल एंड इकोनॉमिक टाइज बिटवीन द कंट्रीज इन यूरोप एंड एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है, इंडिया इज लाइकली टू होस्ट द एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस इन 2024। तो एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस होती है जो जहाँ पे एशिया और यूरोपियन कंट्री, एशिया और पैसिफिक रीजन की कंट्रीज के बीच में टाई को स्ट्रेंथन किया जाता है। तो वो मीटिंग अब की बार जो होगी वो जर्मन 2024 की वो इंडिया में होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये न्यूज़ तो इंपॉर्टेंट नहीं है हमें, मैंने आप ये न्यूज़ को इसलिए लिया है कि मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने ऑलरेडी कवर भी की हैं, जैसे एक है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, एक है OECD, एक है OPEC, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इन सबका इंडिया मेंबर नहीं है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक ऑपरेशन, OECD, OPEC और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इन सब का इंडिया मेंबर नहीं है। और एक NSG भी किया था हमने, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, उसका भी इंडिया मेंबर नहीं है। और जो 5 परमानेंट मेंबर है UN सिक्योरिटी काउंसिल के, उसका भी मेंबर इंडिया नहीं है। ठीक है, अब जो जर्मन की कैपिटल है वो है बर्लिन, तो बर्लिन से रिलेटेड फैक्ट आप ध्यान रख सकते हो। हिस्ट्री में बर्लिन वॉल के बारे में जिक्र होता है, बर्लिन वॉल जो है वो बर्लिन वॉल के फॉल से, जब बर्लिन वॉल गिराई गई थी तो उससे कोल्ड वॉर का अंत हुआ था। कोल्ड वॉर एक ऐसा वॉर था जहाँ पे दो यूएसए और उसकी अलाइड कंट्री और USSR और उसकी अलाइड कंट्री जो है एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन उनके बीच में फाइट नहीं हुई थी काफ़ी टाइम तक, वो एक दूसरे के आमने सामने रहे थे। ठीक है, लेकिन फाइट स्टार्ट नहीं हो पाई थी, उस पीरियड को कोल्ड वॉर बोलते हैं। तो कोल्ड वॉर का एंड हुआ था बर्लिन वॉल के फॉल के साथ, और बर्लिन वॉल फॉल हुई थी 9th of November 1989। क्रूशियल इवेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री का। ठीक है, तो डेट आप याद रख सकते हो, और ज़्यादा अगर आप पढ़ना चाहो तो वर्ल्ड कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ सकते हो, हम इसको कभी और कवर करेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे लिखा गया है कि जो विजिट होगी जर्मन चांसलर ओला स्कोफ की, उसमें ग्रीन हाइड्रोजन में कोऑपरेशन पे बात होगी। ग्रीन हाइड्रोजन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनती है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से बनती है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से बनती है ग्रीन हाइड्रोजन, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन न्यूज़ से रिलेटेड और बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी रिलेटेड है त्रिम्बनी कुंभो महोत्सव से। ये त्रिम्बनी कुंभो महोत्सव के बारे में ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सी रिवर के बैंक पे होता है, तो गंगा रिवर के बैंक पे होता है। ठीक है, ये काफ़ी, ये 700 ईयर ओल्ड था जो स्टॉप हो गया था पहले। ठीक है, उसको दोबारा से रिवाइव किया गया है 2 साल पहले इस महोत्सव को, तो इंपॉर्टेंट है। आर्ट और कल्चर का कोई भी क्वेश्चन हो वो इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा ही UPSC और स्टेट PCS के लिए। तो त्रिम्बनी कुंभो महोत्सव आपसे पूछा जा सकता है कि ये महोत्सव कहाँ पे होता है, ये गंगा रिवर पे होता है, गंगा हमारी नेशनल रिवर, आपको ये भी ध्यान रखना है, और गंगा रिवर पे नेशनल वाटरवे 1 है, और टोटल वाटरवे जो है हमारे पास नेशनल वाटरवे
111 111 वाटरवे है हमारे पास टोटल, और नेशनल वाटरवे 1 जो है वो गंगा रिवर पे है, उसको हम ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है इस महोत्सव के बारे में। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे रिलेटेड है पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी से रिलेटेड। ये पूछा जा सकता है कि ये पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी किसका डिवीजन है, तो ये IMF का डिवीजन है। IMF को हम बहुत ही डिटेल में कवर कर चुके हैं पहले। IMF की जो MD एंड CEO है वो है क्रिस्टेलिना जॉर्जिया, ठीक है। और IMF का हेडक्वार्टर Washington DC में है, ठीक है। और IMF जो है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से बना था। ब्रेटन वुड सिस्टर्स हैं वर्ल्ड बैंक और IMF, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये करता क्या है, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉवरिस्ड कंट्रीज, जो बहुत गरीब कंट्री है वर्ल्ड में उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। 1999 में एस्टैब्लिश हुआ था। IMF की बात नहीं कर रहे, इस फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट प्रोबेबली वो आपसे इस तरह से पूछा जाएगा, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी वॉज सम टाइम इन न्यूज, ये किससे रिलेटेड है, तो ये IMF से रिलेटेड है, ठीक है। 1919 में एस्टैब्लिश हुआ था। इससे पहले इसको, इससे पहले एक और भी ऑर्गेनाइजेशन थी जो थी इन्हांस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इस इन्हांस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी को रिप्लेस किया था पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी ने, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये दो स्ट्रक्चर हैं जो IMF से रिलेटेड हैं, आपको ध्यान रखने हैं। इन्हांस स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट फैसिलिटी पहले था, उसको बाद में रिप्लेस किया पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी ने, और ये दोनों IMF के डिविजन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट इंडिया की एक रिपोर्ट से रिलेटेड है, सेक्रेटरीट रिफॉर्म्स रिपोर्ट। अगर ये पूछा जाए कि सेक्रेटरीट रिफॉर्म रिपोर्ट किसने दी है, तो ये देता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रेवेंस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो सेक्रेटरीट रिफॉर्म रिपोर्ट देता है। कोई भी रिपोर्ट, हर साल बहुत सारी रिपोर्ट, बहुत सारे इंडेक्स पब्लिश होते हैं, लेकिन इंडिया से रिलेटेड जो भी इंडेक्स या रिपोर्ट है, या इंडिया में कोई भी इंडेक्स या रिपोर्ट पब्लिश हो रही है, तो वो तो हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट है, और वर्ल्ड के भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम साथ साथ कवर करते जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है जयपुर डिक्लेरेशन। जयपुर डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो जयपुर डिक्लेरेशन रेलवे सेक्टर से रिलेटेड है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा कि किसके बीच में हुआ है, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो रेलवे की RPF है उसके बीच में, और पेरिस बेस्ड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, उन दो के बीच में ये डिक्लेरेशन हुआ है। तो यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो यही कि जयपुर डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो रेलवे सेक्टर से रिलेटेड है। दूसरा, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो पेरिस में उसका हेडक्वार्टर है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज में है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बारे में आपको ध्यान रखना है, उन्होंने रिकवरी वीजा का एक कंसेप्ट दिया है, रिकवरी वीजा रिसेंटली टू हेल्प ब्रिंग इन द स्पेशलिस्ट वर्कर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द रीबिल्डिंग एफर्ट इन द डिजास्टर हिट रीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है। इतना तो नहीं पूछेगा आपसे डिटेल में कि रिकवरी वीजा उन्होंने क्यों चलाया, सिर्फ आपसे एग्जामिनर इतना पूछ सकता है कि रिकवरी वीजा जो अभी कुछ टाइम पहले न्यूज में था वो किस कंट्री से रिलेटेड है, तो वो न्यूजीलैंड से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है। और न्यूजीलैंड की कैपिटल जो है वेलिंगटन है, ठीक है। एक आइलैंड कंट्री है न्यूजीलैंड, इंडियन सॉरी पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड का, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड कंट्री है न्यूजीलैंड, आपको ध्यान रखना है, उसकी जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है अरायंकाज के बारे में। अरायंका अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी की फील्ड में काम किया है, और एक नेटवर्क बनाया है लोकल कम्युनिटीज़ का, इस नेटवर्क को बोला गया है एलिफेंट कंजर्वेशन नेटवर्क। सो अगर ये आपसे ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि एलिफेंट कंजर्वेशन नेटवर्क किसने बनाया है, तो अरायंका ने बनाया है। और ये है क्या, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लोकल कम्युनिटीज़ का एक ग्रुप बनाया है। क्यों बनाया गया है ये लोकल कम्युनिटीज़ का ग्रुप, क्योंकि हर साल ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट होते हैं जहाँ पे एलिफेंट जो है उनकी डेथ हो जाती है किसी भी रीजन से, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक नेटवर्क बनाया गया है जिसको बोला गया है एलिफेंट कंजर्वेशन नेटवर्क, ठीक है। इसके बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो केरला से रिलेटेड है। केरला में क्या हुआ है, फर्स्ट एवर ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट हुआ है कुमारकोम केरला में, आपको ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है कि फर्स्ट एवर ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट कहाँ पे हुई है, तो वो केरला में हुई है। नेक्स्ट जो हमारे रिलेटेड है बाढ़ सर्वे धारोई से रिलेटेड, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये धारोई कहाँ पे है, ये प्लेस ये गुजरात में, ये प्लेस आपको ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी तुर्की से रिलेटेड है, और तुर्की का जो नया नाम है वो है तुर्की, ठीक है। तुर्की की कैपिटल या तुर्की की जो कैपिटल है वो है अंकारा, ठीक है। और आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि तुर्की एंड रसिया ये दो ऐसी कंट्री हैं जो एशिया कॉन्टिनेंट में भी आती हैं और यूरोप कॉन्टिनेंट में भी आती हैं, ठीक है। एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट में दोनों कॉन्टिनेंट का पार्ट है, दो ऐसी कंट्री एशिया रसिया और तुर्की, ये आपको ध्यान रखना है। तुर्की ने क्या किया है, अभी टेम्परेरी सैलरी सपोर्ट सिस्टम चलाया है, तो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर की टेम्परेरी सैलरी सपोर्ट सिस्टम किस कंट्री ने चलाया है, तो तुर्की ने चलाया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा मार्च का करंट अफेयर यहीं पे एंड होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अप्रैल का करंट अफेयर लेके फिर से आपके साथ हाजिर होंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।